अंक के अंत में जद्रथ का वध भी हो जाता है और जद्रथ वध के बाद भीम भी अपनी प्रतिज्ञा, अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। जयद्रथ का वध करने की जो प्रतिज्ञा ली थी शाम का सूर्यास्त होने से पहले, वो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। अब भीम भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हुआ है और इतस्तत घूम रहा है और दुशासन को रणभूमि पर खोज रहा है कि दुशासन कहाँ पर है तू, और उसे मारने के लिए, उसके वध के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए भीम आवेग में है। और उसी समय भीम आवेग में है और भीम इतना आवेगशील बन गया है कि उस समय दुशासन का वध करने के उतारू हो गया है भीम और द्रोणाचार्य भीम से युद्ध के लिए, जो दुशासन के प्रति भीम युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, और भीम से युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य भी सेनापति के रूप में उभर रहते हैं और द्रोणाचार्य भीम से युद्ध करते हैं और दुशासन को बचाने के प्रयत्न करते हैं। अब द्रोणाचार्य युद्ध करने के लिए भीम के सामने आए, भीम की प्रतिज्ञा थी दुशासन को मारने की और दुशासन की ढाल बनकर द्रोणाचार्य आए। यहाँ पर महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य दुशासन की ढाल बनकर दुशासन को बचाने के लिए युद्ध भूमि में प्रस्थान करते हैं सेना नायक के रूप में, सेनापति के रूप में। और उसी समय वहां पर द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रोणाचार्य अपने शत्रुओं के प्रहार से, द्रोणाचार्य गुरु थे और भीम उनके उनका शिष्य था, दुशासन उनका शिष्य था और पांडव उनके शिष्य, गुरु के सामने उनके शस्त्र और उनका टिक पाना मुश्किल था। वे युद्ध में गुरु का सामना नहीं कर पाते, सक्षम भी नहीं थे, तो द्रोणाचार्य के सामने भीम और उनकी गदा पराजित सी मालूम होती है। और भीम ने जो अपनी गदा के और अपने बाहुबल के माध्यम से, बाहुबल के प्रभाव से जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन का वक्ष स्थल जीत के अपने को रक्त रंजित करके द्रौपदी के केस से जुड़ा, लेकिन उस समय द्रोणाचार्य के सामने भीम की सारी शक्ति अक्षिण होती जा रही थी और उसकी गदा शक्ति भी क्षीण होती जा रही थी। उसी समय भीम रणभूमि से पलायन होने की सोच रहा था। मेरे सार के वर्णन के अनुसार उसी समय एक समाचार पूर्ण रूप से युद्ध भूमि में फैल चुके हैं कि अश्वत्थामा हत, यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था और अस्थि का हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा हत। और यह समाचार जब द्रोणाचार्य का साथी उसे सुनाता है कि अश्वत्थामा हत, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर कदापि असत्य नहीं बोलेगा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हन चुका है, उसका हनन हो गया है, लेकिन अश्वत्थामा यानी हाथी या उसके बारे में डर हुआ, मुझे हुआ, मुझे इतना सब कुछ मालूम नहीं। युधिष्ठिर ने ऐसा कहा और द्रोणाचार्य ने अपने जो शस्त्र के बल पर वो भीम से दुशासन को बचाने में दुशासन की ढाल बनकर युद्ध कर रहे थे, उन द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र को नीचे रख दिए, अपने पास जो शस्त्र थे नीचे रख दिए और अपने पुत्र का विलाप करने लगे। उसी समय अपने पुत्र का विलाप कर रहे थे द्रोणाचार्य, उसी समय धृष्टद्युम्न ने आकर द्रोणाचार्य को सिरा से वेणी से केस से पकड़ कर नीचे उतार कर उनका सिर काट दिया, मस्तिष्क दर्द से अलग कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य जो दुशासन की ढाल बनकर युद्ध कर रहे थे, द्रोणाचार्य का वध हो गया और द्रोणाचार्य का वध हुआ। उसी समय कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले और अश्वत्थामा का मामा कृपाचार्य वहां पर उपस्थित था। कृपाचार्य ने यह देखा, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया है यह कृत्य देखा और वह कंपित हो गया और कृपाचार्य वहां से युद्ध भूमि में से पलायन हो गया, युद्ध भूमि में से पलायन हो गया। और कौरव पक्ष के सभी योद्धा युद्ध भूमि में से पलायन होते जा रहे थे और जयद्रथ वध के वक्त समय तो वीरसेन प्रभुति सोमदत्त भगदत्त आदि वाहनी कितने ही राजाओं के सब वहां पर रक्त रंजित हालत में पड़े थे और द्रोणाचार्य के वध के साथ
कृपाचार्य भी भागने लगे और वे गए सीधे अश्वत्थामा के पास और अश्वत्थामा को सुनाई दे इस प्रकार बोलने लगे कि मुझे धिक्कार है कि मैं तेरे पिता द्रोणाचार्य का वध देख कर आ रहा हूँ। उस युधिष्ठिर को भी धिक्कार है कि जिसने अश्वत्थामा को कहा तू जिंदा है फिर भी उसने ऐसा कहा, उसे भी धिक्कार है। धृष्टद्युम्न को भी धिक्कार है कि जिसने तेरे पिता की चोटी पकड़कर उसकी जिस प्रकार दुशासन ने द्रौपदी को कैसे पकड़ के सभा में डिसीड किया इसी प्रकार चोटी पकड़कर उसको द्रोणाचार्य को तेरे पिता को मार दिया, इस प्रकार कहकर जो अश्वत्थामा था उसके मानसपट में आवेग क्रोधाग्नि बढ़ता है और अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु के अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए उत्साहित करता है, उसमें क्रोधाग्नि बढ़ता है और इस प्रकार वह प्रस्थान करते हैं दुर्योधन के समक्ष और दुर्योधन के समक्ष प्रस्थान करते हैं दुर्योधन के समक्ष जाकर कहने के लिए कि तुम कृपाचार्य ऐसा सोचते हैं कि मैं दुर्योधन से आह्वान करूं कि दुर्योधन तुम अश्वत्थामा को सेनापति के रूप में नियुक्त करो और अश्वत्थामा अपने पिता का मृत्यु का बदला ले और पांडवों को पराजित करे। इस प्रकार कृपाचार्य और अश्वत्थामा गए और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि जो अगले सेनापति के रूप में मुझे नियुक्त किया जाए ताकि मैं अपने पिता के वैर का बदला ले सकूं और पांडवों को युद्ध में पराजित कर सकूं, अर्जुन को युद्ध में पराजित कर सकूं, ऐसा अश्वत्थामा कहता है। इससे पहले दुर्योधन ने कर्ण को सेना नायक के रूप में नियुक्त कर दिया था, कर्ण को सेना नायक के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो कर्ण और इस अध्याय में चतुर्थ अंक में कर्ण और अश्वत्थामा के बीच में वाक भाषण होता है, दोनों के बीच में वाक युद्ध होता है। कर्ण द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को कहता है कि अश्वत्थामा तुम द्रोणी पुत्र हो यानी कि द्रोण के पुत्र हो और द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात को बीच बीच में लाकर कर्ण अश्वत्थामा को उपालन देता है, उसके क्रोधाग्नि को भभुकाता है। तो इस प्रकार कर्ण अश्वत्थामा को कहता है कि तूने आगे देखा कि तेरे पिता द्रोणाचार्य का वध कैसे हुआ, उसका सर मस्तिष्क से अलग कैसे हो गया, फिर भी तू अपने पिता के मौत का बदला मृत्यु का बदला लेना चाहता है, यह कोई आसान काम नहीं है। इस प्रकार दोनों के बीच वाद युद्ध होता है और कर्ण को अश्वत्थामा कहता है कि मेरे पिता मरे नहीं है, अजय है, मेरे पिता पराक्रमी थे के साथ छल हुआ है और छल से उनका हनन हुआ है। इस प्रकार दोनों के बीच वाक युद्ध होता है और कर्ण अश्वत्थामा को अपना अभिमान में आकर अपनी कड़ी कुटी सुनाता है। इस प्रकार कर्ण और अश्वत्थामा के बीच एक प्रकार का जो वाक युद्ध होता है, वाक युद्ध में कर्ण कहता है कि अश्वत्थामा को तुम ब्राह्मण हो इसलिए अवध्य हो वरना मैं तुझे भी तेरे पिता की तरह वध कर डाले। इस प्रकार वो कर्ण अश्वत्थामा को बोलता है तो अश्वत्थामा ने जनोई धारण कर की हुई थी वो जनोई काट लेता है और कर्ण को कहता है कि यदि मैं ब्राह्मण हूँ और अवध्य हूँ तो मैंने जनोई अब धारण नहीं की है, काट डाली है, अब कर सकता है तो मेरा वध करके देखा। इस प्रकार कर्ण और अश्वत्थामा के बीच ऐसी परिस्थिति वाकयुद्ध की परिस्थिति निर्भर हुई है और उस समय दुशासन की युद्ध भूमि में से चित्कार सुनाई देती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि एक ओर कर्ण और अश्वत्थामा के बीच वाकयुद्ध हो रहा है, दूसरी ओर रणभूमि पर दुशासन और भीम, क्योंकि जो धर्मपुत्र द्रोणाचार्य थे उनका तो वध हो गया, दुशासन और भीम के बीच युद्ध हुआ है और भीम अपनी गदा के प्रहार से दुशासन को मारता है, प्रहार करता है, दुशासन वहां भूमि पर गिर जाता है और बचाव आर्तनाद के लिए अपने को बचाने के लिए सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए पुकारता है, पुकार करता है। इस
दुशासन की आवाज सुनकर दुर्योधन ने सुनी आवाज और वहां पर दुर्योधन कर्ण कृपाचार्य सब वहां पर उपस्थित थे तो उन्होंने दुशासन की आवाज सुनी और उनको लगा कि दुशासन आपत्ति में है तो वहां पर उपस्थित थे दुर्योधन कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा तो इनमें से सिवा अश्वत्थामा अश्वत्थामा के सिवा सभी कर्ण कृपाचार्य और दुर्योधन सभी दौड़ गए दुशासन को बचाने के लिए दुशासन की रक्षा के लिए दौड़ गए अश्वत्थामा वहां नहीं दौड़ा। इस प्रकार यह अंक पूर्ण होता है और बाद में दुशासन को बचाने के लिए वहां दौड़ कर जाते हैं लेकिन समस्या ये होती है कि भीम इतना गरज रहा था कि उसके गर्जनाओं से जो कौरव पक्ष की सेना थी इतर तितर हो गई थी और भीम ने जो दुशासन को बचाने के लिए दुर्योधन आया था दुर्योधन को भी अपनी गदा के प्रहार से ताड़ित किया।